नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस घटना के तार झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। दरअसल ये घटना हुई एक ट्रेन में। ट्रेन का नंबर था 13351 धनबाद एलएपी एक्सप्रेस, जिसे बोकारो एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसके B1 कोच के शौचालय में कोई यात्री जब गए तो वहाँ बेसिन के अंदर एक नवजात बच्चे को देखकर दंग रह गए। ये नवजात बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय पहले उसको जन्म दिया गया है। वो अपनी गर्भनार और प्लेसेंटा के साथ ही वहाँ पर मौजूद था। उसके नीचे ऐसा लग रहा था जैसे उसको सहारा देने के लिए या उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके नीचे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो लगाए हुए थे। और कुछ जगह मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया है कि बच्चे को उसी शौचालय में जन्म दिया गया था। लेकिन कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो जिनका ये मानना है, जिन्होंने ये बताया है कि एक लड़की जो जिसकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच में जो नज़र आ रही थी, वो एक नवजात बच्चे को लेकर जो है वो उस ट्रेन में चढ़ी और जैसे ही ट्रेन ने विशाखापट्टनम स्टेशन छोड़ा वैसे ही वो युवती जो है वो बच्चे को ट्रेन में ही छोड़कर वो ट्रेन से निकल गई। खैर, अच्छी बात ये है कि बच्चा सकुशल है, उसे बचा लिया गया है और विशाखापट्टनम अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट मिला है और फिलहाल वो बाल संरक्षण पदाधिकारियों की संरक्षण में है। अब हम इस घटना के अन्य पक्षों पर बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर जिसने भी बच्चे को वहां छोड़ा वो क्यों छोड़ा। जब भी कोई अपराध होता है तो उसके मोटिव को सबसे पहले ढूंढा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है जिन्होंने भी बच्चे को बेसिन में वहां पर छोड़ा है, उनकी मंशा उस बच्चे को वहां पर छोड़ने की गलत नहीं थी। भले ही उनका तरीका गलत था, वो प्रक्रिया गलत थी, वो जगह बच्चे के लिए सही नहीं थी, लेकिन वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और इसके लिए मेरे पास अपनी वजह है। पालोना में हम हर दिन लगभग इस तरह की घटनाओं से दो चार होते हैं जहां हमें ये साफ महसूस होता है कि जिन्होंने भी बच्चे को छोड़ा है अनसेफ कंडीशंस में, वो बच्चे को न सिर्फ वहां छोड़ना चाहते थे बल्कि वो बच्चे को नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, वो बच्चे की हत्या करना चाहते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको पंजाब की वो घटना याद दिलाना चाहूंगी जब एक नवजात बच्चा जीवित हालत में, बल्कि बोलना चाहिए कि मृत प्राय हालत में वो शौचालय के पॉट में मिला था। ये भी एक ट्रेन का शौचालय था और उसके बच्चे के गले में जब उसको निकाला गया तो वो एक दुपट्टा या साड़ी का कोई टुकड़ा था जो उसके गले में चारों तरफ फंदे के जैसा बांधा हुआ था और उसी के जरिए उस बच्चे को पॉट में डाल दिया गया था। जब सफाई कर्मी वहां पहुंचा सफाई करने के लिए और उसने इस तरह से एक साड़ी के टुकड़े को बाहर लटकता हुआ पाया तो उसने उसको खींचना शुरू किया और वो खींचते खींचते वो बच्चा भी उसमें फंसा हुआ उस फंदे में वो बाहर निकल आया। बच्चे उस समय में अंतिम सांसें ले रहा था, उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 2-3 दिन वहां बच्चे ने काफी स्ट्रगल किया लाइफ के लिए, लेकिन वो जिस हालत में मिला था उसमें उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे और अल्टीमेटली बच्चे की डेथ हो गई थी। इसी तरह से झारखंड के हजारीबाग में भी एक नवजात शिशु वो टॉयलेट एक सरकारी अस्पताल के टॉयलेट के पॉट में मिला था। फिर हरियाणा से एक घटना इस तरह से सामने आई थी जिसमें कि बच्चे को उल्टा करके मुंह के बल फ्लश टैंक जिसमें पानी भरा होता है उसमें डाल दिया गया था और जब तक किसी की निगाह पड़ती उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो ये तो चंद घटनाएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। ऐसी न जाने कितनी घटनाओं से हम हर दिन दो चार होते हैं और उन्हीं के बिना पर उन्हीं के स्टडीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर घटना में विशाखापट्टनम में जो ट्रेन में शौचालय में बेसिन में बच्चा मिला है, इस पर्टिकुलर घटना में जिन्होंने भी बच्चे को वहां छोड़ा उनकी मंशा गलत नहीं थी, वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वो बच्चे को बेसिन में डालने के बजाय वो उसको किसी पॉट में डाल देते शौचालय के, या वो शायद जो युवती थी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिन्होंने वो 20 से 30 साल की एक युवती को बच्चे को के साथ ट्रेन में एंटर होते हुए और फिर बिना बच्चे के उसको ट्रेन से उतरते हुए देखा था, तो अगर ये बात सच है तो ये भी निश्चित ही तौर पर वो आसपास के ही किसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी होगी और जैसे ही विशाखापट्टनम से ट्रेन चली
वो उस ट्रेन से उतर गई। अगर वो बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती तो उसको ट्रेन में चढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, वो रास्ते में ट्रेन की पटरियों में बच्चे को कहीं भी डाल सकती थी, या फिर किसी डस्टबिन में डाल सकती थी, झाड़ी में डाल सकती थी, किसी नदी नाले में डाल सकती थी। जब उसने ऐसा नहीं किया, वो ट्रेन में चढ़ी, बोगी में बैठी, इसका रिस्क लिया उसने, उसको लोग पहचान सकते थे, तो और उसके बाद वो उसको बेसिन में छोड़ के गई, और बेसिन में भी इस तरह से छोड़ा कि उसने जो सैनिटरी नैपकिन्स है उसका उसका एक उसकी एक लेयर, तीन चार सैनिटरी नैपकिन्स की लेयर उस वॉश बेसिन और बच्चे के बीच में लगा दी। तो इस सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, अंदाजा तो हम ये लगा सकते हैं कि वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, उसकी मंशा गलत नहीं थी। हो सकता है कि वो सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में नहीं जानती हो। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होती कि इस तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी होने पर वो बच्चे को सरकार को सुरक्षित सौंप देती, और इसके लिए वो अपने जिले की बाल कल्याण समिति यानी CWC से संपर्क कर सकती थी। वैसा करने पर उसकी पहचान भी उजागर नहीं होती, बच्चा भी सकुशल और स्वस्थ माहौल में सरकार की सुपुर्दगी में चला जाता। ये सर्वोत्तम स्थिति है किसी भी बच्चे को अनसेफ कहीं पर भी छोड़ने की बजाय। यदि कोई मजबूरी है आपकी या आप किन्हीं ऐसे हालात में फंसे हैं कि आप बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अनजाने में किसी अपराध को अंजाम ना दें, बल्कि आप अपने जिले की CWC को संपर्क करें। अगर आपको इस CWC के बारे में नहीं पता है तो आप चाइल्डलाइन को 1098 पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर भी जाने में संशय है या आप किसी तरह की हिचक या कोई डर है, तो आप पालोना को 9798454321 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप जिस भी जिले से हैं वहां की लोकल अथॉरिटीज से आपका कांटेक्ट करवाएंगे, और इस तरह से बिना किसी को पहचान उजागर हुए आप बिना कोई नैतिक या कानूनी अपराध किए सुरक्षित अपने बच्चे को सरकार को सौंप सके। थैंक यू।